आप सुन रहे हैं कहानी तुम बिन का भाग दो। पिछले भाग में आपने सुना नमिता जो मनोविज्ञान की छात्रा होती है वे आगे मनोविज्ञान से शोध करने के लिए एक मनोचिकित्सालय में जाती है जहां वे डॉक्टर चौहान से मिलती हैं। वहां अचानक से एक आशुतोष नाम के मरीज के आ जाने और उसके अचानक से नमिता को मनु मनु कहने से वे चौंक जाती हैं। तब डॉक्टर चौहान उसे ढांढस बढ़ाते हुए शांत रखते हैं। अब आगे नमिता बहुत विचलित थी लेकिन डॉक्टर चौहान अपनी बात एक सांस में कही जा रहे थे। मुझे एहसास है कि तुम्हें उस वक्त कितना असहज लगा होगा कि एक अनजान शख्स तुम्हें किसी अनजान शख्सियत से पहचाने। यकीन मानो मुझे भी उतना ही आश्चर्य हुआ। पर नमिता, आशुतोष ने जो नाम लिया वो काल्पनिक बिल्कुल नहीं था। मैं अभी भी चुप थी और सोच रही थी कि मैं क्यों जानूं उसके बारे में। वो पल उसके जीवन का अनवरत पल है, आखिर क्यों वे उसे जाने। नम्रता, तुम खुद मनोविज्ञान की छात्रा हो, डॉक्टर चौहान कह रहे थे, तुमने अब तक बहुत से मनोरोगों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से किसी मनोचिकित्सालय आने का ये तुम्हारा पहला अनुभव है। मैं उनकी बात सुन के आगे कुछ न कह सकी, बस स्वीकृति में हाँ में सिर हिला दिया ताकि वार्तालाप बाधित ना हो। इस वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी असहजता को भली भांति समझ सकता हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो और तुम अपने शोध के संबंध में हमसे जो भी मदद चाहोगी मेरी हर संभव उसमें अच्छी कोशिश रहेगी। डॉक्टर चौहान के चुप होने का वार्तालाप में निशब्दता छा गई। अंततः नम्रता को कहना पड़ा, आपका धन्यवाद, मैं फिर कब आ सकती हूँ। कल आ जाओ। औपचारिकता निभाकर वे तुरंत वहाँ से निकल गई लेकिन बीती घटना उसके मस्तिष्क क्षेत्र से बाहर न निकल सकी। उसकी सारी रात बेचैनी में कटी। दूसरे दिन सुबह वे अतकचरे मन से वहाँ जाने को फिर से निकल पड़ी। आप बैठिए, डॉक्टर चौहान आ रहे हैं, एक नर्स ने कहा और अपनी बात कहके डॉक्टर चौहान के केबिन में उसे बैठा कर चला गया। गुड मॉर्निंग मिस नम्रता, वे आवाज़ सुन के पीछे पलटी। डॉक्टर चौहान उसके सामने थे। उनके मिलने के ढंग से भी थोड़ा सहज हो सकी पर पूरी तरह से नहीं। बैठो, पानी लोगी। उसकी हालात का जायज़ा लगा लिया गया था इसलिए उत्तर का इंतज़ार किए बिना उन्होंने पानी का गिलास उसकी आगे कर दिया। पानी पीने के बाद उसे लगा कि वाकई इस वक्त उसे इसकी ज़रूरत थी। डॉक्टर खत्री से मेरी बात हुई और जैसा कि कल मैंने तुमसे कहा ही था कि तुम्हारी रिसर्च के लिए हर संभव जो मदद होगी वो मेरी ओर से की जाएगी। थैंक यू सर। उसे लगा उसकी बात यहीं समाप्त हो गई पर नहीं। वेल मिस नम्रता, मैं तुमसे तुम्हारे शोध के अलावा भी कुछ कहना चाहता हूँ, कल की घटना के बारे में। उसकी शंका फिर जीवित हो उठी। कल की घटना पर मैंने यहाँ के डॉक्टरों से विचार विमर्श किया और उसके उपरांत हमने ये विचार किया कि यदि तुम चाहो तो हमारी कुछ मदद कर सकती हो। मैं समझता हूँ कि तुम समझ गई होगी कि मैं इस वक्त आशुतोष की बात कर रहा हूँ। वे अपनी घुमाओदाओ चेयर से पीठ हटाते हुए कहते रहे, दरअसल आशुतोष पिछले 6 हफ्तों से यहाँ पर है। हम सभी उसे डायग्नोसिस करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं पर सब असफल रहा है। मैं समझी नहीं। मैं तुमसे बिल्कुल साफ साफ कहता हूँ नम्रता, आशुतोष इमोशनल डिस्टर्ब है और जो उसकी बीमारी है वही उसका उपचार भी है। इतने समय में मैंने कल तुम्हारी उपस्थिति में पहली बार उसे इतना शांत देखा। मेरा मतलब है कि तुम जो कि नम्रता हो पर आशुतोष की नज़र में मनोरमा हो, जिसे वे मनु नाम से पुकारता था। नम्रता सकपका गई। उसकी घबराहट डॉक्टर चौहान ने पढ़ ली। तुम चाहो तो मना भी कर सकती हो पर एक आखिरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे सामने डॉक्टर चौहान नहीं बल्कि एक बेबस पिता अपनी बात कह रहा है, आशुतोष का पिता। आखिरी शब्द कहते
उनका गला रुंध गया। वे अब खामोशी से उम्मीद भरी नज़रों से नम्रता की ओर देखने लगे। चश्मे के पार उनकी आर्द्र पलकें साफ स्पष्ट हो रही थीं, पर नम्रता हैरान उनकी तरफ देख रही थी, मानो उसके पैरों तले जमीन ही सरक गई हो। वे किसी तरह से खुद को संयत करती बिना कुछ कहे वहाँ से घर वापस आ गई। लेकिन डॉक्टर चौहान की कही हुई बातें एक पल भर के लिए उसके जहन से बाहर नहीं निकली। डॉक्टर चौहान आशुतोष के पिता है? वाकई ये बात उसके लिए कितनी असहज रही और उनके लिए कितनी दुखदाई रही होगी कि उनका खुद का बेटा उस मानसिक चिकित्सालय में किसी रोगी की तरह है। फिर भी वे जाने कैसे वे खुद को सामान्य बनाए हुए हैं। इसी सोच में डूबी नम्रता अगली ही उलझन में घिरी थी। वे जान ही रही थी कि डॉक्टर चौहान के लिए अपने बेटे का उपचार सिर्फ एक सहारे के बिना बेकार हो रहा है, और वह सहारा वह थी स्वयं। नम्रता नहीं जानती थी कि वे क्या करने जा रही हैं, उसके जीवन की कैसी आरोही स्थिति है। एक बार फिर वे भारी कदमों से चल दी डॉक्टर चौहान के चैम्बर की तरफ बढ़ी। उन्होंने उसकी ओर देखा और उसी सहजता के साथ उन्होंने उसका अभिनंदन किया, जिस प्रकार वे रोजाना करते थे। नम्रता ने कुछ कहने से पहले ही वे बोल उठे, आज आशुतोष का जन्मदिन है, मैं उसे बधाई देने गया था, लेकिन आज सुबह से वे कुछ ज़्यादा ही व्यग्र है। आज तो वे किसी की मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं कर रहा। उसने काफ़ी तोड़ फोड़ की है और एक वार्ड बॉय तक को मारा है, अंततः तो मुझे खुद उसे शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ा। डॉक्टर चौहान जैसे एक एक शब्द खून की घूंट की तरह अपने गले के नीचे से उतार रहे थे। नम्रता, ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें ये सब बता के इमोशनली मजबूर करना चाह रहा हूँ, और ये मत समझना कि तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो इसका फ़र्क तुम्हारे शोध कार्य पर पड़ेगा। बस खुद को व्यक्त करने से रोक नहीं पाया मैं। वे पीठ पर हाथ बांधे नम्रता के विपरीत देख रहे थे। इससे वे नहीं देख पाए कि उनके कहते नम्रता के चेहरे पर कैसी असभ्य बेचैनी उभर आई थी उस समय। वे कहती है, सर मैंने अब तक मनोविज्ञान सिर्फ किताबों में पढ़ा है, पर आज मुझे वास्तविक जीवन में मनोविज्ञान प्रयोग करने को कह रहे हैं। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना है और ये मैं किस तरीके से कर पाऊँगी, पर हाँ इतना ज़रूर जानती हूँ कि शोध की छात्रा शायद आपकी कोई मदद कर सकती है। डॉक्टर चौहान का चेहरा ये सुनते खिल उठा, ये बदले हुए भाव जो निश्चित रूप से टूटे हुए पिता के थे। उस पल के समय में सब तय हो गया कि नम्रता का चेहरा ही आशुतोष के उपचार का एकमात्र साधन है, और उसकी मदद के बगैर वे सभी असहाय थे। उसकी स्वीकृति के साथ डॉक्टर चौहान ने अपनी उपचार प्रणाली भी शुरू कर दी। बस कुछ नहीं, तुम्हें बस उसको ये दवाइयाँ देनी हैं, तुम्हारी उपस्थिति उसे सामान्य बनाए रखेंगी और हम आसानी से उसका उपचार कर सकेंगे। डॉक्टर चौहान चुप हो गए, पर नम्रता को लगा उसे कुछ और जानना है। तो मैं आशुतोष के सामने क्या बनकर जाऊँ? ये मनोरमा कौन है? उसके मन की शंका शब्दों में जाहिर हो गई। दरअसल आशुतोष बहुत भावुक लड़का है, उसके कॉलेज में उसकी सहपाठी थी मनोरमा, उसकी आकस्मिक मौत से वो बेकल हो उठा। उस लड़की ने पढ़ाई के प्रेशर में आकर सुसाइड कर लिया, और यही उसके जीवन की त्रासदी बन गई कि वो पंखे से झूलती लाश सबसे पहले आशुतोष ने देखी। और शायद संयोग हो कि तुम्हारा चेहरा उससे मनोरमा की याद दिलाता है, यही कारण है कि तुम्हारी उपस्थिति से मैं सामान्य न रह सका। बस उसे इसका मुझे फ़ायदा उठाकर उसका उपचार करना है। ये तुम्हारे मनोविज्ञान ज्ञान की अग्नि परीक्षा भी है नम्रता। कहीं मन के किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाने की मानवीय ललक भी उमड़ पड़ी, वहीं एक अनजान डर भी उसके मन में सता रहा कि अपनी पूरी कुव्वत से वह डर रही थी कि क्या होगा आने। वह तैयार भी थी। इसी पशुपेश में पड़ी हुई नम्रता कमरे से बाहर निकल गई। आगे सुनिए भाग 3 में आगे की कहानी। धन्यवाद।